अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का लाल सिंह चड्ढा से क्लैश हुआ, लेकिन इसमें दोनों ही फिल्मों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। मेकर्स और फैंस को उम्मीद थी कि अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर कुछ तो कमाल कर देंगे, लेकिन आमिर खान की तरह अक्षय कुमार भी पहले ही हफ्ते में टिकट खिड़की पर फुस साबित हुए। रक्षाबंधन को रिलीज हुए पूरे 8 दिन का समय बीत चुका, लेकिन दिन ब दिन फिल्म की कमाई गिरती ही जा रही है। अक्षय कुमार एक साल में कई फिल्में देने के लिए जान जाते हैं। इस साल उनकी पहली फिल्म बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद वह एक पीरियड ड्रामा सम्राट पृथ्वीराज लेकर आए, वो सुपर फ्लॉप हो गई। इसके बाद अक्षय कुमार भाई बहनों के रिश्ते पर आधारित फिल्म रक्षाबंधन लेकर आए। अक्षय कुमार समेत दर्शकों को भी उम्मीद थी कि फिल्म तो सफल हो ही जाएगी, लेकिन नेटिजन्स है कि जैसे बॉलीवुड में खार खाए बैठे फैंस ने इस फिल्म को भी पूरी तरह से नकार दिया है। रक्षाबंधन के कलेक्शन की बात करें तो पहले गुरुवार रक्षाबंधन ने महज 1.20 करोड़ रुपये कलेक्शन किया, जिसके बाद रक्षाबंधन का कुल कारोबार 40 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। वहीं बीते बुधवार की फिल्म का कलेक्शन 1.70 करोड़ रुपए था। मंगलवार को रक्षाबंधन का कारोबार 2.10 करोड़ रहा था। वहीं सोमवार को इस फिल्म ने 6.31 करोड़ और रविवार को 7.8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। रक्षाबंधन को लेकर मेकर्स का अनुमान था कि फिल्म करीब अपना बजट तो निकाल लेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी उम्मीद भी नए के बराबर दिख रही है। इस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म का फ्लॉप का तगमा हासिल करने की ओर बढ़ती दिख रही है। बता दें कि आनंद एल रॉय निर्देशित फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज हुई।